पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। शांतिवन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जुटे कई देशों के प्रतिनिधि। राजस्थान के पशुपालन एवं देवस्थान मंत्री ओटाराम देवासी ने किया उद्घाटन। दादी ने कहा, सद्भावना से होगा विकास। चेन्नई के मरीना बीच पर गांधी जयंती पर साइकिल रैली का आयोजन। तमिलनाडु सरकार का आयोजन, ब्रह्मा कुमारी संस्थान का भी प्रतिनिधित्व। सुनाम में स्वच्छ भारत में कलाकारों की भूमिका पर सम्मेलन। नए भारत निर्माण में सहयोगी बने कलाकार। पटियाला और करनाल में भी आयोजन। गुड़गांव के पालम विहार में वृद्ध दिवस पर कार्यक्रम। बुजुर्गों के आशीर्वाद से मिलती है दुआएं। महाराष्ट्र के अंबाजोगाई और बीड में सूखे से प्रभावित किसानों को बीज का वितरण। शुभकामनाओं से प्रकृति पर भी पड़ेगा प्रभाव। धर्म और अध्यात्म बेस्ट सेलर, रीडर हुई हैप्पीनेस अनलिमिटेड पुस्तक। ऑनलाइन की दुनिया में बड़ी मांग। और किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन। जैविक के साथ योगी खेती करने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन आबू रोड में राजयोग द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान के पशुपालन एवं देवस्थान मंत्री ओटाराम देवासी, ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय नेता इंद्रेश कुमार, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी के निर्वैर, अन्नामलाई विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस मेमन, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर के संबा शिवराव, ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बी के मोहिनी, कार्यकारी सचिव बी के मृत्युंजय समेत कई लोगों ने किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने राज्यों से बेहतर समाज बनाने की अपील की। इसके साथ ही गुब्बारे उड़ाकर सद्भावना का संदेश दिया गया। संस्थान भी जन कल्याण का प्रतिनिधित्व करता है। सो ही लाइट अप और ही सीम्स टू बी एज ए सन एंड एज ए मून। व्हाट इज रिक्वायर्ड, एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स हैप्पीनेस, अल्टीमेटली हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड। एंड फॉर दिस पर्पस बाबाजी हैज स्टार्टेड टू गिव दिस पीस ऑफ माइंड। इससे पूर्व स्वागत सत्र में राजस्थान के राजस्व मंत्री अमरा राम, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी के रमेश शाह, इंडोनेशिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रानी अंगरेनी समेत कई लोगों ने भी संबोधित कर कार्यक्रम का आगाज किया। राजयोग से कैसे हेल्दी और हैप्पी बनते हैं, सिंपल बात है, सिंपल बनना है। साइंस एंड द सोल, साइंस एंड फेथ, साइंस एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। आई टेल यू दिस in order to bring to light the inevitable relationship between science and spirituality. कार्यक्रम में भारत, नेपाल, इंडोनेशिया समेत कई देशों के लोग भाग ले रहे हैं। चेन्नई के मरीना बीच में गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर तमिलनाडु सरकार द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस अवसर पर सूचना मंत्री केटी राजेंद्र बाला ने सहभागियों को शुभकामनाएं दी। वहीं जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना ने ईश्वरीय संदेश देते हुए सौगात भेंट की। इस दौरान सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश में शांति स्थापन करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। अंत में बीके बीना ने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। पंजाब के सुनाम सेवा केंद्र द्वारा शिव निकेतन धर्मशाला में स्वच्छ स्वस्थ भारत में कलाकारों का योगदान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ
कला एवं संस्कृति के राज्य मंत्री संत बलबीर सिंह, एडीसी राजेंद्र बत्रा, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बी के दयाल और बी के सतीश, महाराष्ट्र चंद्रपुर से राष्ट्र संयोजिका बी के कुसुम, सेवा केंद्र प्रभारी बी के मीरा समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि कलाकार अगर तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त होकर मूल्यवान संस्कृति को अपनाता है और राज्यों का अभ्यास करता है तो नई दुनिया स्थापित की जा सकती है। इसके साथ ही अन्य विशिष्ट लोगों ने संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए हर तरह के सहयोग करने का आश्वासन दिया। ये अभियान आप सभी को यही संदेश देना चाहता है कि आप अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक शक्ति को धारण करो और अपने जीवन के लिए धन्य बनाओ। कार्यक्रम के अंत में सभी ने हाथों में कैंडल लेकर विश्व में अमन व शांति लाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही अतिथियों को ईश्वर सौगात भी भेंट की गई। कार्यक्रम से पूर्व शहर में रैली निकालकर ईश्वर संदेश देने के साथ लोगों को मूल्यों को जीवन में अपनाने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रभाग से जुड़े सदस्यों ने सहभागिता की। पंजाब के पटियाला सेवा केंद्र द्वारा हरपाल तिवाना कला केंद्र में भव्य सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया। कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बी के दयाल और बी के सतीश, महाराष्ट्र चंद्रपुर से राष्ट्र संयोजिका बी के कुसुम, सेवा केंद्र प्रभारी बी के शांता, गीतकार बी के युग रत्नम समेत प्रभाग से जुड़े कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर विशिष्ट लोगों ने कहा कि कला वो जो सबका भला करे और सबके साथ मिलजुल कर रहना सिखाए। इसके साथ ही राज्य द्वारा जीवन जीने की कला सिखाकर जीवन को खुशहाल बनाने की प्रेरणा दी। अशांति, युद्ध, धन दे नाते, जात पात दे नाते, लिंग दे नाते, रंग दे नाते, देशा दे नाते जो वितकरा हो रहा है, जहां जो एक नफरत का माहौल है, जे रूहानी ने तय करना होता तां ये माहौल आज साडे सामने ना होता। इस दौरान जहां नृत्य नाटिका के माध्यम से ईश्वर के सत्य पहचान कराई, वहीं सुंदर नृत्य तथा गीतों के द्वारा भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को ईश्वर सौगात भेंट की और शिव ध्वज लहराकर परमात्मा मिलन की खुशी जाहिर की। करनाल सेक्टर 7 सेवा केंद्र द्वारा एक शाम प्रभु के नाम विषय पर सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करनाल की महापौर रेणु बाला गुप्ता, नीफा के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बी के दयाल, राष्ट्रीय संयोजिका बी के कुसुम, सेवा केंद्र प्रभारी बी के प्रेम समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि भारत की प्राचीन संस्कृति विश्व भर में प्रसिद्ध है। एक समय ऐसा था जब भारत देवनगरी थी, लेकिन मूल्यों की कमी होने के कारण आपसी प्रेम व सद्भाव समाप्त होता जा रहा है। हमारे भारत की संस्कृति है कि नारी की पूजा की जाती है और आज के युग में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह के प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान चंडीगढ़ से बी के जय गोपाल और बी के युग रतन ने गीतों से कला में आध्यात्मिकता और मूल्यों का समावेश कर बेहतर समाज की स्थापना करने का संकल्प दिलाया। गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हेल्दी एंड एक्टिव एजिंग विषय पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन गुड़गांव पुलिस के ACP राजेश, गोवा से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित KC जौहरे, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष HC खुराना, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजेश वर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बी के उर्मिल, सह निदेशिका बी के सुदेश ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर अतिथियों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना की। साथ ही यहां उपस्थित लोगों से ये अपील की गई कि सिखाए जा रहे राज्यों को जीवन में जरूर अपनाएं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मेरे को यहाँ आने का मौका मिलता है। जब भी ऐसा अवसर मिलता मैं चुकता नहीं हूँ। उसका मुख्य कारण क्या है कि वो जो बैटरी जो डिस्चार्ज हो जाती है ना, वो 5-10 मिनट बैठ के वो चार्ज हो जाएगी।
वहीं बीके बहनों ने सभी वरिष्ठ नागरिकों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें राज्यों के द्वारा स्वयं को सकारात्मक और सशक्त बनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में बीके उर्मिल ने सभी को राज्यों का अभ्यास कराकर शांति की अनुभूति कराई। महाराष्ट्र के अंबाजोगाई सेवा केंद्र पर किसानों को बीज वितरित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अकाल से प्रभावित क्षेत्र में रवि के बीज बोने के लिए किसानों को खाद तथा बीज वितरित किए गए। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने कहा कि बीज बोने से पहले यदि मन में श्रेष्ठ विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही हर तरह से मदद करने का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान बीके सुनीता, पीएसआई सूर्यकांत होगले, समाज सेवक शिवाजी खोगरे, सीए जी जीरांदर समेत कई विशिष्ट लोगों ने उपस्थित किसानों को बीज व खाद सामग्री दी। पूरे विश्व में जीवन जीने की कला सिखाकर बेहतर जिंदगी बनाने वाले जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी द्वारा लिखित पुस्तक हैप्पीनेस अनलिमिटेड अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज बुक पूरी दुनिया में ज्यादा पढ़ी और बिकने वाली बुक बन गई है। अंग्रेजी में प्रकाशित इस किताब को amazon.in ऑनलाइन में धार्मिक एवं आध्यात्मिक किताबों की ऑनलाइन बिक्री में पहला स्थान मिला है। ज्ञात हो कि हैप्पीनेस अनलिमिटेड अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज किताब को सुप्रसिद्ध पब्लिशर पेंटागन ने पब्लिश किया है। वाराणसी सारनाथ के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। सफाई अभियान का आरंभ सेवा केंद्र से किया गया, जहां ब्रह्मा कुमारीज मार्ग बुद्धा सिटी कॉलोनी से आरंभ होकर पुरातत्व संग्रहालय से शिव मंदिर तक की सफाई में संस्था के कई सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्रीराम कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, गायघाट की राज्य शिक्षिका बीके गीता, सारनाथ की राज्य शिक्षिका बीके तापसी, वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके विपिन ने उपस्थित होकर स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने हेतु उपस्थित लोगों को प्रेरित किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि स्वच्छता एवं सफाई हम सभी का अपना दायित्व है, इसलिए स्वच्छता एवं सफाई से जहां हमारा जीवन स्वस्थ बनेगा वहीं समाज व देश की गौरव व गरिमा को भी हम नई ऊंचाई दे सकेंगे। गौरतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संस्था के मुख्य प्रशासिका राजोगिनी दादी जानकी को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके लिए भारत के कई स्थानों पर भी इस अभियान को चलाया जा रहा है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ कोरबा के टीपी नगर सेवा केंद्र पर भी गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर रेणु अग्रवाल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सपना चौहान, समाज सेवी लक्ष्मी नारायण कड़वे, पूर्व सभापति संतोष राठौर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुकमणि, बीके रचना उपस्थित रही। इस अवसर पर अतिथियों ने मनुष्य के जीवन को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए इसके महत्व को बताया। इसके साथ ही बीके रुकमणि ने परमात्मा शिव के सत्य परिचय से सभी को अवगत कराते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कार्यों को जीवन में अनुकरण करने की बात कही। नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा एनटीपीसी के कार्यालय में तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोधी रोड से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष, लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा, बीके डॉक्टर सीएच मूर्ति ने उपस्थित सभी अधिकारियों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा तनाव से मुक्त रह सुखमय जीवन जीने की कला सिखाई। इस अवसर पर बीके गिरिजा ने मेडिटेशन कराकर सभी को शांति की अनुभूति कराई और साथ साथ सोल और सुप्रीम सोल के संबंध की जानकारी देते हुए जीवन को तनाव मुक्त रहने की कला सिखाई। वहीं बीके पीयूष ने संस्था का परिचय देते हुए स्वयं को खुश रखने के कुछ अभ्यास कराए, जिसका सभी ने आनंद लिया। करनाल कुंजपुरा के हनुमान स्टेडियम में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा 3 दिवसीय शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन सेवानिवृत्त वरिष्ठ अभियंता एके मित्तल, विकास क्लब के अध्यक्ष प्रेम सागर, सरपंच महेंद्र सिंह, पूर्व सरपंच सुभाष भाटिया, अनाज मंडी के अध्यक्ष जसवंत सिंह, निसिंग की सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला, करनाल सेक्टर 9 की सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, मतलौडा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन, कुंजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, बीके सारिका समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। मेले में अतिथियों का स्वागत सुंदर नृत्य द्वारा किया गया। करनाल में सजी अमरनाथ बर्फानी बाबा मेले में दर्शन करने आए हजारों लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंगम का भी अवलोकन किया। मेले में कई झांकियां सजाई गई, जिसमें सृष्टि की अंतिम घड़ियां कलयुगी परिवार और सतयुगी परिवार की सुंदर झांकी के साथ ब्रह्मा कुमार भाई बहनों की उपस्थिति सभी लोगों को परमात्मा शिव का सत्य परिचय के साथ राज्य को जीवन में अपनाने की सलाह दी।
मेले में व्यसनों पर आधारित बच्चों द्वारा लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जिसमें लोगों को व्यसन त्यागने का संदेश दिया गया। मेले के समापन सत्र में सुंदर देवी देवताओं की चैतन्य झांकियां भी सजाई गई, जिसमें लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण की मनमोहक झांकियां सभी का आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं लघु नाटिका द्वारा लोगों को कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को रोकने का भी संदेश दिया गया। भोपाल के गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत रायसेन के बेगमगंज सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक देवेंद्र पटेल, मंडी अध्यक्ष राधा वरकरे, नगरपालिका अध्यक्ष प्रताप सिंह जाट, गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बी के रीना, यात्रा प्रभारी बी के नीलू, गुजरात मेहसाना से बी के रोमल, सेवा केंद्र प्रभारी बी के सुधा समेत प्रभाग से जुड़े कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी सहभागियों ने योग द्वारा संकल्पों को शक्तिशाली बनाने तथा संकल्प शक्ति द्वारा उत्तम खेती करने पर बल दिया। अभियान के तहत बेगमगंज के सुमेर, सागोनी, बीरपुर समेत कई गांवों में भी कार्यक्रम का आयोजन कर किसानों को शाश्वत योगी खेती की जानकारी दी गई और जैविक खाद द्वारा जहरीली कीटनाशक दवाइयों के उपयोग न करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे ही शासकीय महाविद्यालय सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल समेत कई स्कूलों व कॉलेजों में मूल्य निष्ठ शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को मूल्यों को धारण करने के साथ साथ शुद्ध अन्न के महत्व को बताते हुए सात्विक भोजन लेने की भी सलाह दी गई। भोपाल के मंडी द्वीप में भी अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बी के मंजू समेत प्रभाग से जुड़े सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को शाश्वत योगी खेती करने के लिए भी प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ के धरमजयगढ़ सेवा केंद्र पर किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक लालजीत सिंह राठिया, नगर पंचायत अध्यक्ष महेश चेनानी, उपाध्यक्ष विजय यादव, जनपद पंचायत अध्यक्ष कन्या कुमारी, रायगढ़ एवं जशपुर प्रभारी बी के चित्रा, सेवा केंद्र प्रभारी बी के सती, बी के नीलू समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बी के सदस्यों ने प्राचीन भारत की विशेषताओं का वर्णन किया और कर्मों की गहन गति के बारे में जानकारी देते हुए श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को ईश्वर सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं उपस्थित लोगों ने सात्विक तथा शुद्ध आहार लेने का भी संकल्प लिया। राजस्थान के बयाना उपसेवा केंद्र द्वारा अखिल भारतीय सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किड्जी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन SDM नरेंद्र कुमार वर्मा, CO चेत्रम सेवादा, पंचायत समिति के प्रधान सुमन बुड़वार, उद्योगपति एवं एडवोकेट भाग सिंह सुपा, किड्जी स्कूल के निदेशिका भावना सिंह, भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बी के कविता, बयाना उप सेवा केंद्र प्रभारी बी के बबीता समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि खेती और पौष्टिक अन्न के लिए ये अभियान सार्थक, स्वच्छ और सफल प्रयास है और जो ये अभियान गांव-गांव में किसानों की जागृति और मनोबल को बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है वो काफी सराहनीय है। ये अभियान संस्था के सदस्यों द्वारा पेट्रोल पंप, स्कूल समेत कई गांवों में चलाया गया, जहां सभी को परमात्मा संदेश के साथ साथ शाश्वत योगी खेती करने की भी जानकारी दी गई। महाराष्ट्र के बीड सेवा केंद्र पर किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेत्र विशेषज्ञ सुधा कांकरिया, सोलापुर सेवा केंद्र प्रभारी बी के सोम प्रभा, बारशी सेवा केंद्र प्रभारी बी के संगीता, पंडरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बी के उज्ज्वला, माजलगांव उप सेवा केंद्र प्रभारी बी के अनीता, सेवा केंद्र प्रभारी बी के प्रज्ञा मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम में सुधा कांकरिया ने किसानों को योगी खेती का महत्व बताया तथा जैविक के साथ योगी खेती करने की विधि सिखाई। इस दौरान किसानों को बीज वितरित कर सदा शुभ और श्रेष्ठ विचार करने का संकल्प भी कराया गया। हरियाणा के सिरसा के शांति सरोवर सेवा केंद्र द्वारा 4 दिवसीय सुपर माइंड सुपर फ्यूचर विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। वेलकम पैलेस में आयोजित इस सेमिनार का शुभारंभ उपायुक्त निखिल गजराज, माउंट आबू से माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर बी के शक्तिराज, सेवा केंद्र प्रभारी बी के बिंदु समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि खुशी हमारी अपनी चीज है जिसे महसूस करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उपस्थित लोगों से संगोष्ठी का पूरा लाभ लेने का आग्रह किया गया। ब्रह्म कुमारी संस्था है, मैं उनका जो ये प्रयास वो कर रहे हैं उसका अप्रिशिएशन भी कर रहा हूँ। काफ़ी बड़े स्केल पर इनका, भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी इनका काफ़ी बड़े स्तर पर इस तरीके के अभियान ये चलाते हैं। इस कार्यक्रम से आप लाभान्वित होके जाएंगे, एक बदले हुए इंसान बन के जाएंगे।
सेमिनार के दौरान बीके बिंदु ने राजयोग से होने वाले फायदों को बताते हुए कहा कि हम अपने विचारों को जब चाहें जहां चाहें एकाग्र कर सके तथा सकारात्मक व श्रेष्ठ बना सके। 4 दिवसीय संगोष्ठी के दौरान विधायक मक्खन लाल सिंगला, डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर इंद्रजीत गोदारा समेत कई विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय संदेश देते हुए सौगात भेंट की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। ऐसे ही सेवा केंद्र पर मीडिया कर्मियों के लिए विनिंग द गेम ऑफ माइंड विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंबाला से ज्वाइंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर आर के सैनी ने राजयोग द्वारा जीवन में आए बदलाव को सभी के साथ साझा किया। वहीं बी के शक्ति ने राजयोग द्वारा नकारात्मक प्रभाव से बचने की भी प्रेरणा दी। अब कुछ खबरें फटाफट। राजस्थान भरतपुर के सेवा केंद्र प्रभारी बी के कविता ने कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, महापौर शिव सिंह, जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत बालोत से मुलाकात कर संस्था की गतिविधियों से अवगत कराते हुए परमात्मा का संदेश दिया। वहीं बी के बबीता और बी के अमर ने जिला अधिकारी रवि जैन से मुलाकात कर स्मृति चिन्ह भेंट किया और सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र द्वारा विश्व शांति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम तिहाड़ जेल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य शिक्षिका बी के सारिका, बिजनेसमैन बी के राकेश धीर उपस्थित रहे। वहीं बी के सारिका ने परमात्मा शिव का सत्य परिचय से सभी को अवगत कराया। इसके साथ ही बी के राकेश धीर ने राज्यों द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने की सलाह दी। मध्य प्रदेश के मंदसौर सेवा केंद्र पर लाइफ स्किल्स एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लॉ कॉलेज के व्याख्याता सुनीता श्रीवास्तव, साइकोलॉजिस्ट भगवती प्रसाद, सेवा केंद्र प्रभारी बी के समीता समेत कई शिक्षकों और संस्था के सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बी के समीता ने उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को बताया कि जीवन की इमारत श्रेष्ठ चरित्र, दिव्य गुण एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित हो, तभी हम जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। इस दौरान युवाओं को मार्गदर्शन देने आए शिक्षकों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने अपने अनुभवों को भी साझा किया। महाराष्ट्र के मंडार सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय लाइफ स्किल्स एजुकेशन कैंप का समापन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतीश मोदी, पूर्व सरपंच वेदीसाल सिंह देवदा, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बी के गीता, सेवा केंद्र प्रभारी बी के शैल उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित युवाओं को बताया गया कि जो भी इन दिनों सिखाया गया उसे नोटबुक व बुद्धि तक सीमित न रख जीवन में धारण कर स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। कार्यक्रम के अंत में सभी युवाओं को सर्टिफिकेट भी दिया गया। मध्य प्रदेश के मोरैना सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्षा गीता इंद्रा हर्षाना, पतंजलि योग समिति के प्रतीप व्यास, सांसद श्रमजीवी समाजसेवी वीरेंद्र सिंह, होशंगाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बी के सुनीता, मोरैना सेवा केंद्र प्रभारी बी के रेखा समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित युवाओं को नैतिक मूल्यों को जीवन में धारण करने की भी सलाह दी। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में अलविदा तनाव शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया, पूर्व पार्षद उस्मान पटेल, पार्षद सुनील पाटीदार, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बी के पूनम, गणेश मंदिर प्रमुख अशोक भट्ट, सेवा केंद्र प्रभारी बी के मीरा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बी के पूनम ने कहा कि राज्यों को अपने जीवन में धारण करने से तनाव हमेशा के लिए अलविदा हो जाता है। इसके साथ ही 11 दिवसीय इस कार्यक्रम में विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर तनाव के कारण तथा उसके निवारण के उपाय जाने, वहीं सदा सकारात्मक चिंतन के लिए प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग करने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश छतरपुर में ब्रह्म कुमारी द्वारा ग्रामीण जन जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य वन संरक्षक LS रावत, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी AB खरे, जिला बाल संरक्षण अधिकारी ममता वैद्य, कृषि विभाग के सहायक संचालक BP सूत्रकार, सहायक संचालक मत्स्य KK गुप्ता, गुजरात के मेहसाना के सेवा केंद्र प्रभारी BK रोमल समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि रासायनिक खेती के कुप्रभाव से रोकथाम में ये अभियान सहायक है। जैविक खादों का उपयोग करें एवं इससे उत्पन्न अन्न या उत्पादन अपने घर पर उगाकर प्रयोग में लाने की पहल करें। इसके साथ ही बीके बहनों ने शाश्वत योगी खेती करने की भी सलाह दी। हरियाणा के महम सेवा केंद्र द्वारा स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
इस अवसर पर माउंट आबू से एंकोलॉजिस्ट बीके डॉक्टर प्रेम मसन ने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक चिंतन करने पर बल दिया, वहीं खानपान और व्यायाम पर भी अटेंशन रखने की सलाह दी। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके चेतना, महंत सतीश दास, रोहतक सेवा केंद्र प्रभारी बीके कोकिला समेत बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। ऐसे ही सेवा केंद्र पर भी डॉक्टर्स के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेम मसन ने रोगियों का बेहतर तरीके से इलाज करने तथा उन्हें स्वस्थ बनाने के कई उपाय बताए। महाराष्ट्र ठाणे के श्रीनगर तेज कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड में इजी मेडिटेशन फॉर बिजी इंडस्ट्रियल पीपल के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मानव संसाधन विभाग के AGM कादरी, धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ, माउंट आबू से बीके नारायण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता उपस्थित हुए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को आंतरिक स्वच्छता और राज्यों द्वारा स्वयं को परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। पंजाब होशियारपुर सेवा केंद्र द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के कार्यालय में एक दिवसीय पीस ऑफ माइंड ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी ने उपस्थित कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा के साथ संबंध जोड़े तभी स्वयं का विकास कर सकते हैं। इसके साथ ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मुख्य संयोजक अमित सिंह ने भी संस्था द्वारा किए जा रहे इस कार्यक्रम की सराहना की। मध्य प्रदेश में बैतूल के आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बाल छात्रावास में अपराध मुक्त समाज के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है। इसके साथ ही भौतिक और नैतिक शिक्षा द्वारा सभ्यता व सामाजिक बनने की भी बात कही। इस दौरान युवाओं को गलत संग से दूर रहने तथा श्रेष्ठ संग करने पर बल देते हुए बीके भगवान ने राज्यों का अभ्यास भी कराया। उत्तर प्रदेश के एटा सेवा केंद्र द्वारा वृंदावन धाम में परमात्मा अवतरण विषय पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एटा के बालाजी मंदिर सेवा केंद्र बीके मीनू, जलेश्वर से राज्य शिक्षिका बीके कमलेश, बीके देशमूर्ति सुभाष मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने स्वयं के प्रति और परमात्मा के प्रति कुछ समय निकालकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की अपील की। वही कार्यक्रम से पूर्व शहर में रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को परमात्मा अवतरण और नई सतयुगी दुनिया का संदेश दिया गया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।